नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में वॉन्यूमन मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं वॉन्यूमन मॉडल के बारे में। वॉन्यूमन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को 1945 में डिजाइन किया था, जिसे वॉन्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इस वॉन्यूमन मॉडल में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल और लॉजिकल मेमोरी यूनिट्स, रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट जैसी डिवाइसेस को कंसिस्ट किया जाता है। वॉन्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट पर, जिसमें इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम डेटा को सेम मेमोरी पर स्टोर किया जाता है। इस डिजाइन को अभी भी प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स पर यूज में लिया जाता है। वॉन्यूमन बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें हम सिंगल प्रोसेसर का यूज करते हैं, एक मेमोरी जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों के लिए वर्क करती है, और प्रोग्राम्स वो फॉलो करते हैं फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि इस आर्किटेक्चर में डिफाइन किया गया है, इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन देती है सीपीयू को। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर्स होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं जो अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हैं, और मेमोरी यूनिट से डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट को रिलीज करते हैं। तो ये सारा वर्क वॉन्यूमन बेसिक स्ट्रक्चर में वॉन्यूमन आर्किटेक्चर के थ्रू होता है। कंपोनेंट्स ऑफ वॉन्यूमन मॉडल, इसमें हम बात करते हैं कि वॉन्यूमन मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, बसेस, मेमोरी यूनिट। इन तीनों कंपोनेंट्स की हेल्प से हम वॉन्यूमन मॉडल को डिजाइन करते हैं। बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ये कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जो बल्क ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं और इसे हम सीपीयू के नाम से रेफर करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीपीयू परफॉर्म करता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस को, जिसे हम डिक्टेट करते हैं बाय इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर सीपीयू के मेजर कंपोनेंट्स हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और वैरायटी ऑफ रजिस्टर्स, जिनकी हेल्प से हम वॉन्यूमन मॉडल में इंस्ट्रक्शंस और डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। बात करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो परफॉर्म करती है मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस को और एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शंस को। सिंपल वर्ड में ALU अलाउ करता है अर्थमेटिक लाइक एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एटसेट्रा, और लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड, और, नॉट एटसेट्रा। इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ALU यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पर डिपेंड होते हैं, लाइक ALU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट करती है प्रोग्राम काउंटर को, जो कंटेन करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को, जिसे हम फेच करते हैं, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें इंस्ट्रक्शंस की मेमोरी एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट को फैच किया जाता है। ये सभी वर्क ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा और कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स रेफर करते हैं हाई स्पीड स्टोरेज एरिया को सीपीयू में, और जो भी डेटा हम प्रोसेस करते हैं उसे रजिस्टर से फैच किया जाता है सीपीयू के थ्रू। यहाँ पर कुछ लिस्ट है रजिस्टर्स की जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं डेटा प्रोसेसिंग में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में। ये रजिस्टर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखते हैं जब हम एक्सेस करते हैं किसी डेटा को। MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये रजिस्टर होल्ड करते हैं डेटा को जब हम मेमोरी से डेटा को ट्रांसफर करते हैं उस टाइम पर। एक्यूमुलेटर, ये रजिस्टर को होल्ड करके रखता है जब हम इंटरमीडिएट अर्थमेटिकल और लॉजिकल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फिर बात हम करते हैं PC, प्रोग्राम काउंटर के बारे में। ये रजिस्टर कंटेन करके रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके एड्रेस को। CIR, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये करंट में एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कंटेन करके रखता है। अब हम बात करते हैं बसेस के बारे में। बसेस मीन्स जो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन को शेयर करती है बिटवीन द रजिस्टर्स इन मल्टीपल रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है सेट ऑफ कॉमन लाइंस को और एक रजिस्टर बिट के और एक रजिस्टर्स के सभी बिट्स के अंदर कंसिस्ट की जाती है, जिसके थ्रू हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक टाइम पर। कंट्रोल सिग्नल जो डिटरमाइन करता है रजिस्टर्स को, जब हम कभी भी पर्टिकुलर रजिस्टर ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग द बस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में। वॉन्यूमन आर्किटेक्चर 3 मेजर बसेस सिस्टम बस सिस्टम को डेटा ट्रांसफर के लिए यूज में लेता है। बसेस एक सिंगल लाइन प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन द रजिस्टर्स। यहाँ पर बस सिस्टम में 3 टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस कैरी करती है डेटा एड्रेस को बिटवीन द प्रोसेस एंड मेमोरी। डेटा बस कैरी करती है डेटा को बिटवीन द प्रोसेसर्स और मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कैरीज करती है सिग्नल्स को और कमांड्स को सीपीयू के थ्रू। तो इन सभी बसेस के थ्रू हम डेटा इंस्ट्रक्शंस को और उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट एक कलेक्शन ऑफ स्टोरेज होता है सेल्स का, जिसमें हम सर्किट्स जो एसोसिएटेड होते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है स्टोरेज पर, तो उस टाइम पर इस मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। मेमोरी यूनिट स्टोर करती है बाइनरी इंफॉर्मेशन को ग्रुप ऑफ बिट्स के अंदर, जिसे हम वर्ड्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर मेमोरी यूनिट की स्पेसिफाइड करती है बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, जो कंटेन करके रखते हैं नंबर्स ऑफ बिट्स को ईच वर्ड के अंदर। यहाँ पर मेमोरी के 2 मेजर टाइप्स हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब स्थाई मेमोरी होती है। इसमें हम स्टोर किए गए कंटेंट को रीड कर सकते हैं और ये पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डेटा को स्टोर करके रखती है। लेकिन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तब ये डेटा को डिलीट कर देती है। तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए ये कैशे मेमोरी का भी यूज करती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर डेटा पावर ऑफ होने के बाद रोम में स्टोर होता है। जब इसकी बूटिंग प्रोसेस की जाती है तो उसके बाद ये रोम मेमोरी से रैम में जाता है। तो मेमोरी यूनिट इस तरीके से बाइनरी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूशन के दौरान वर्क में लेती है। आज की वीडियो में ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।